हेलो फ्रेंड्स, सभी को पता है कि त्योहारों का सीजन चल रहा है, तो इस फेस्टिवल सीजन पर हम बनाने वाले बहुत ही सस्ती और बहुत ही झटपट बनने वाली मिठाई। आप इसे करवा चौथ पर बनाइए, झटपट बनकर तैयार हो जाती है, या दिवाली पर बनाइए, तो यकीन मानिए ये सिर्फ 5 काजू से बनने वाली सबसे सस्ती मिठाई है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इंस्टेंट काजू रोल बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए 1 कटोरी कद्दूकस किया हुआ नारियल का बुरादा। आप चाहे तो मार्केट वाला डेसिकेटेड कोकोनट भी ले सकते हैं, और अब हम डायरेक्टली इस मिक्सी के जार में डाल देंगे। और जो हमने 1 कटोरी कोकोनट लिया था, वही 1 कटोरी चीनी डालेंगे। 10 से 15 लेंगे मखाने, और 5 लेंगे काजू, और 2 लेंगे इलायची। सभी को मिक्स करके अच्छे से पीस लेंगे। इसको खोल कर देख लेते हैं। तो देखिए, ये इस तरह से बारीक पीस लेना, बिल्कुल फाइन कर लेना है। अब इसको हम डाल लेंगे एक मिक्सिंग बोल में। अब इसमें हमें देना है मावे जैसा फ्लेवर, तो हम इसमें ना तो इसमें मूंगफली का इस्तेमाल करने वाले हैं और ना ही मिल्क पाउडर का, तो हम देंगे इसमें फ्रेश मलाई से मावे वाला फ्लेवर। ये पाउडर इतना जल्दी गीला हो जाता है, तो आपको इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है। कभी आप सोचे इसमें थोड़ा दूध डाल दे, थोड़ा पानी डाल दे, तो हमें इसमें कुछ भी नहीं डालना है। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसमें डालेंगे 1 चम्मच शुद्ध देसी घी, जिससे इसमें शाइन आ जाए। तो ये देखिए, थोड़ा सा मिलाना है इसमें देसी घी, ज़्यादा नहीं। इसको भी मिलाकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए अंदर का टेक्सचर, कोई कह सकता है मुंह में घुल जाने वाली और जल्दी से बिना गैस चलाए बनने वाली सस्ती सी मिठाई बनकर तैयार हो जाती है। अब हम इसको दे देंगे रोल शेप। आप चाहे तो इसे बर्फ़ी शेप भी दे सकते हैं, काजू कतली की शेप भी दे सकते हैं। इस तरह से थोड़ा थोड़ा लेकर के हम इनको गोल कर लेंगे। इस तरह से हम इसको सभी को रोल कर लेंगे। आप चाहे तो इसमें काजू कतली वाली शेप दे, या फिर वैसे सिंपल वाली बर्फ़ी बना ले। इस तरह से हम सभी की ऐसे इसी तरह रोल बना लेंगे। और अब इसमें हम लगाएंगे चांदी वाला वर्क, जिससे हमारी मार्केट वाली शाइन आ जाए। आप चाहे तो इसे मेवा से भी डेकोरेट कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसे चांदी वाला ही वर्क लगाया है, जिससे इसमें मार्केट वाला लुक आ जाए। तो इसी तरह से हम पेपर ले लेंगे, और इस पर सभी को रोल को ऐसे से मसल लेंगे, ताकि ये सारा वर्क इस पर लग जाए, क्योंकि हाथ पे भी ये चिपक जाता है ना, इसलिए। तो इस तरह से हम सभी पे चांदी का वर्क लगा लेंगे, और ये हमारी मुंह में घुलने वाली मिठाई तैयार है। ये हमारे काजू रोल्स बनकर तैयार है। इसको हम कट कर लेंगे। देखिए कितनी झटपट बन गई है ना हमारी काजू रोल्स। तो आप इसे एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ये बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, और झटपट बनकर तैयार हो जाती है। इस बार त्यौहार पर ये मिठाई आप ज़रूर ट्राई करें, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना ना भूलना, ताकि आपको हर नोटिफिकेशन